जिस हालात में उनके नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने कार्य करना शुरू किया और सरकार रहते हुए धरना प्रदर्शन का जिस तरह से उन्होंने संस्कृति का जन्म दिया, ऐसी स्थिति में अगर पूर्व राज्य का दर्जा भी होता है तो क्या देश की कैपिटल का हाल करेंगे, यह समझना मुश्किल नहीं है। और इंडिया की जो कैपिटल है पूरे देश की कैपिटल है, यह देश की कैपिटल है और देश की कैपिटल का असर पूरे दुनिया में आता है। दुनिया में यहाँ पर दुनिया के डिग्निटरी जाते हैं, स्टेट हेड्स आते हैं और यहाँ कई दृष्टि से यह ज़रूरी है कि केंद्र सरकार का जो व्यवस्था है यथास्थिति बनाए रखना, वरना यह अराजकता पैदा कर दे। अराजकता वाली राजधानी की क्या स्थिति होगी, इससे देश की बदनामी होगी।